दोस्तों, दक्षता एग्जाम 2023 के लिए हमारा जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज है सेट 3, आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं और सभी 100 सवालात को सॉल्व करते हैं, एक-एक के सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाते हैं। अगर आप भी दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ या प्रिंटेड, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। सेट 3 में जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में जो शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वह संज्ञा के आधार पर होता है, क्योंकि संज्ञा एक नाम होता है और हर नाम वाले का एक मेल और दूसरा फीमेल होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा को कहते हैं जो भाव को बतलाता है, यानी जो संज्ञा ही होता है परंतु किसी न किसी भाव को बतलाता है। जैसे शत्रुता, ये बतलाता है कि इसके बीच का जो भाव है वो दुश्मनी का है, क्योंकि शत्रु से बना है शत्रुता, इसलिए शत्रुता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद कीजिए। उल्लेख का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो उत्जोड़ देख प्राप्त होगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद करना है, अत्याचार अति जोड़ आचार, अत्याचार होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन है? सत्याग्रह में जिस संधि का उपयोग होता है वह है दीर्घ संधि, सत्य जोड़ आग्रह, दीर्घ संधि हुआ। अगला सवाल है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन थे? हिंदी की जो प्रमुख पत्रिका है कादम्बिनी, इसके संपादक थे राजेंद्र अवस्थी। अगला सवाल है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 8 नंबर, निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला जो थे वे क्रांतिकारी कवि थे, क्योंकि इसकी रचना में क्रांतिकारी शब्दों का संगम होता है। अगला सवाल है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आम जिस फल को हम खाते हैं उसका पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब होता है ऐसा शब्द बतलाइए जिसका मीनिंग आम हो, यानी एक जैसा मीनिंग वाला, समान अर्थ वाला। आम को जो है आम्र कहा जाता है, रसाल भी कहते हैं, पिक भी कहते हैं, लेकिन आम का पर्यायवाची अमृत फल नहीं होता है। अगला सवाल है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह अद्वितीय होता है, यानी जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसकी कोई उपमा न हो वह अनुपम, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। दोनों का अर्थ सेम ही होता है, इसलिए अनुपम और अद्वितीय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है, ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? ऋणात्मक बोलते हैं माइनस साइन बल को, इसका उल्टा होता है धनात्मक। विलोम को कहते हैं उल्टा विपरीतार्थक, यानी ऐसा शब्द बतलाइए जिसका मीनिंग एक दूसरे के उल्टा हो। अगला प्रश्न है, चिरंजन का विलोम क्या होगा? चिरंजन चिरंजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे अस्थाई कहते हैं, जो हमेशा हमेशा बाकी रहे। इसका उल्टा होता है नश्वर, नष्ट होने वाला, जो पल भर में मिट जाए। यानी चिरंजन और नश्वर एक दूसरे के विलोम है, उल्टे माना रखते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी का मतलब होता है लिखावट। यहाँ पर सन्यासी लिखा हुआ है, लेकिन 3 ऑप्शन जो हैं गलत हैं, चौथा सही है। आपको सही की पहचान करना है। सन्यासी जो लिखा जाता है उसमें आधा न होता है, दंती स का उपयोग होता है दोनों, और लास्ट वाला दंती स में दीर्घ की मात्रा होती है, यानी सन्यासी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी व्यवहारिक जो है 4 बार दिखा गया है, लेकिन व्यवहारिक का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो व्यावहारिक होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
हाथ का मैल एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तुच्छ वस्तु। कोई किसी चीज को जब अपने हाथ का मैल समझता है तब मतलब यह होता है कि उस वस्तु की आपके नजदीक अहमियत नहीं है। इसे ही कहते हैं हाथ का मैल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें चुराना का अर्थ क्या होता है? आंखें चुराना प्रचलित मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कतराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक में चार पाई शब्द किस कारक में है? पर जहां उपयोग आए वह अधिकरण कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान में पर अधिकरण में भी होता है। अपदान में अलग होने का भाव होता है, अधिकरण में जुटा होने का भाव होता है। यहाँ पर जो है भाई साहब बैठे हुए हैं यानी चारपाई से अलग नहीं है, इसलिए अधिकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं? गमन का ठीक उल्टा होता है आगमन, यानी आ लगाते हैं तो ये विपरीत मीनिंग देता है, इसलिए हम आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर, धुंधला शब्द में प्रयुक्त पड़ता है, पड़ता उसे कहते हैं जो शब्द के बाद में लगता है और नया शब्द दे देता है। आप देख पा रहे होंगे ला शब्द जोड़कर हमने धुंध में ला बना दिया, धुंधला हो जाता है, यानी ला जो हो जाएगा यहाँ पर पड़ते हो जाएगा जो धुंध शब्द में लगकर नया शब्द धुंधला बनाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर, दोष हर्ता में पड़ते का चयन कीजिए, बाद में लगने वाला उस हरूप को पहचानिए, अक्षर को पहचानिए जो दोष को दोष हर्ता बनाया है। आप पाएंगे कि सही उत्तर है हर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर, निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा जो होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि गुजराती, उड़िया, सिंधी ये सब देवनागरी में नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो होता है वो दंती सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? मजिस्ट्रेट शब्द नाम से ही स्पष्ट है कि ये विदेशज है, क्योंकि इसमें जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हुआ है, हमारे देश की भाषा अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? जब एक या एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो चित्र बनाते हैं चित्रकार कहलाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहरा देने वाले के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, पहरा देने वाले को जो है पहरेदार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नंबर, एक्स बटा 10 बराबर 0.5 में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जब एक्स बटा 10 बराबर 0.5 हो तो हम क्या करते हैं, आपस में इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप पाएंगे 0.5 के नीचे 1 है तो एक्स बराबर हो जाएगा 0.5 × 10। जब आप 0.5 को 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट जो है दाईं ओर एक अंक घसक जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के व्यास की लंबाई का उसके त्रिज्या से क्या संबंध होता है? वृत्त किसे कहते हैं? ये गोल सर्किल जो होता है उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है, जबकि व्यास जो होता है वो केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है जो दोनों ओर परिधि को टच करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वृत्त का व्यास जो होता है उसके त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर वृत्त का वैल्यू r है तो त्रिज्या 2r हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन 12,212 का प्रतिनिधित्व करता है? आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने एक तरफ लिखा 12,000, दूसरी तरफ लिखा 1212। हमने 12,000 को अंकों में फिर 1212 को अंकों में लिखा। जब इसे आपस में आप जोड़ेंगे तो ये 13,212 हो जाएगा।
आप इस प्रकार सही उत्तर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है? बहुत जगह परीक्षा में आरोही और अवरोही लिखा जाता है। आरोही कहते हैं बढ़ते क्रम को, अवरोही कहते हैं घटते क्रम को। आपने छत की सीढ़ी को देखा होगा, ये बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। उसी प्रकार जब संख्या को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना हो तो सबसे पहले कम वैल्यू को रखेंगे, उसके बाद उससे बड़े वैल्यू को, उसके बाद उससे बड़े वैल्यू को, उसके बाद उससे बड़े वैल्यू को। यहाँ पर जो चार अंक है इसमें सबसे छोटा अंक आप तलाशिए, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। आप पाएंगे ऑप्शन डी सही है, क्योंकि 6006 से बड़ा होता है 6606, उससे बड़ा होता है 6606 और उस सबसे बड़ा हो जाता है 6666। ये जो है बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा की ओर बढ़ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरियों के झुंड में कुल पैरों की संख्या 60 है, कुल बकरियों की संख्या बताइए। यानी बकरी का जो झुंड है वहां पैर की संख्या कितनी है? 60 है। बकरी के पास कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर होते हैं। यानी कुल कितनी बकरी है? आप इसे 4 से भाग दे दीजिए। जब आप 60 को 4 से भाग देंगे तो 15 प्राप्त होगा। यानी बकरी के झुंड में कुल पैर की संख्या 60 है, तो कुल बकरी 15 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,008 सैकड़ा 1/7 इकाई को अंकों में लिखें। आइए हम इसे अंकों में लिखते हैं। सबसे पहले हमने इसे अलग अलग करके लिख लिया है, 12,008 सैकड़ा 1/7 इकाई। आप जानते होंगे कि हजार का मतलब होता है 1000 से गुना करना। 12 को 1000 से गुना किया, 12,000 हो गया। सैकड़ा का मतलब होता है 108 सैकड़ा का मतलब हो गया 800। दहाई कहते हैं 10 को, 1/10 का मतलब हो जाएगा 1×10, यानी हमने इसे 10 लिखा। 7 इकाई का मतलब होता है 1/7 को 1 से गुना किया, 7 आया। अब क्या करेंगे, सबको हम आपस में जोड़ देंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो 12,817 सही उत्तर सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 नंबर, 654 में 6 का जातीय मान कितना है? दोस्तों दो प्रकार के मान के बारे में हमने आपको समझाया था, एक था स्थानीय मान, दूसरा था जातीय मान। स्थानीय मान किसी भी संख्या में किसी भी अंक का उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है, जबकि जातीय मान जो होता है वो वही होता है जो दिखता है। जातीय मान 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4 ही होगा। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान उतना ही होता है जो वह संख्या स्वयं होती है, यानी 6 का जातीय मान 6 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर, किसी द्विविमीय आकृति के चारों ओर के घेरे को क्या कहते हैं? दोस्तों ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, लेकिन ऊंचाई ना हो, ऐसी आकृति को द्विविमीय आकृति कहते हैं, 2D shape। इस आकृति के जो चारों ओर का घेरा होता है जिसे हम जो है आपको डिनोट करके दिखा रहे हैं, इस घेरे को क्या कहते हैं? इस चारों ओर के घेरे को परिधि या परिमाप कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है सरकमटेंस। यानी किसी द्विविमीय आकृति के चारों ओर के घेरे को परिधि कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भिन्न का मान न्यूनतम है? निम्नलिखित में किस भिन्न का मान न्यूनतम है यदि किसी भी भिन्न में हर सेम हो? तो जिस अंश का मान न्यूनतम होगा वह भिन्न न्यूनतम होता है, और जिस अंश का मान अधिकतम होगा वह भिन्न अधिकतम होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में उपयोग होने वाले पाई का मान कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा πr² होता है। यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना होता है? इस पाई को 22/7 या 3.14 लिखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 नंबर, 1.1, 1.11, 11.1, 0.111 में बड़ा कौन है? यहाँ पर आप दशमलव संख्या के लेफ्ट वाले को देखें, लेफ्ट में तीनों में एक बराबर है, उसके बाद डिसाइड करें कि बड़ा कौन है। 11 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, 0 से भी बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 + 1/3 का वैल्यू क्या हो जाता है? आइए इसे हम जोड़ते हैं।
दोस्तों जब 2/3 को 1/3 के साथ जोड़ेंगे तो हर समान रहने पर अंश आपस में जुट जाते हैं, यानी 3/3 प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे से कटकर एक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का वर्ग कितना होगा। 17 का जो वर्ग होता है इसे आपस में गुना करके प्राप्त करते हैं। 17 को जब 17 से गुना करते हैं तो 289 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 4/9 होता है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3/9 होता है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5/9 होता है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2/9 होता है। जब आपसे पूछा जाए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएं तो 4/9, इसमें जब आप 1 जोड़ेंगे तो ये 5 अंक की संख्या बन जाएगी, यानी 4 अंक की ये अंतिम संख्या है, इसके बाद 5 अंक की संख्या स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर वृत्त की परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ये एक वृत्त है, इसके किसी भी दो बिंदु को जब कोई रेखा मिलाएगा तो इसको क्या कहते हैं, इसको जीवा कहा जाता है। बाकी जो टर्म है त्रिज्या, ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है जो केंद्र से ही गुजरता है। व्यास को जीवा कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होता। क्षेत्रफल बोलते हैं एरिया को, कितने एरिया को ये घेर रहा है, यानी सही जवाब इसमें है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। एक संख्या x है, दूसरा y है, औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे, यही है औसत, यानी 2 संख्याओं को आपस में जोड़कर 2 से भाग देना, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर निम्न में कौन सही है। यहाँ पर बड़ा का निशान छोटा का निशान बड़ा छोटा का निशान है, जिधर टोटी होता है उधर छोटी होता है। आप देख पाएंगे कि इसमें बड़ा कौन है। अगर बड़ा का निशान के अपोजिट डायरेक्शन में टोटी है तो आप इसे सही मानेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 98 जो है बड़ा होता है 65 से, सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10/3 को दशमलव में बदलने पर प्राप्त होगा। जब 10 को भाग देंगे 3 से, 3 × 9 मर्तबा लगेगा, 1 आता है, फिर 10 हो जाएगा 3 × 9, फिर 1 बचता है, फिर 3 × 9 हो जाएगा, यानी 3.3333 आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग के एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। वर्ग जो होता है वो चौकोर होता है। वर्ग का परिमाप जो होता है इसके एक भुजा का 4 गुना होता है, यानी 4 × भुजा, यानी अगर एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो हम 4 को 12 से गुना कर देंगे, 12 × 48 सेंटीमीटर आ जाएगा जो वर्ग का परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। एक टंकी में 1000 लीटर पानी आता है, 200 लीटर प्रतिदिन खपत वाले परिवार पूरी टंकी पानी कितने दिनों में खाली करेंगे। यानी एक परिवार जो है 200 लीटर पानी जो है एक दिन में खपत करता है, तो 1000 लीटर पानी कितने दिन में खपत करेगा। हम सिंपली क्या करेंगे, 1000 को 200 से भाग दे देंगे। जब 1000 को 200 से भाग देंगे तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 × 5 = 10 आएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे देने वाले जानवर की पहचान कीजिए। जब आप गौर करेंगे तो जानवर 2 तरह के होते हैं, एक वो जो अंडे देते हैं, दूसरे वो जो बच्चे को जन्म देते हैं। जो अंडे देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते, न ही उसके कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं, जबकि बच्चे देने वाले जो जानवर होते हैं उसके कान भी बाहर की ओर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर भी बाल होते हैं, यानी अंडे देने वाले जानवरों की पहचान ये दोनों है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में हाथी के झुंड की विशेषता को चिन्हित करें। हाथी जो होते हैं वो झुंड में रहा करते हैं, उसके झुंड की विशेषता ये है कि उसके झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही होते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी जो होता है 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह अधातु ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को आप अपने पेंसिल में पाएंगे, दोनों ओर से पेंसिल को छील लें, उसके बाद इससे जब आप करंट पास कराएंगे तो करंट आसानी से पास करेगा, क्योंकि यह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 जानवरों में कौन सी क्षमता का अभाव होता है? जानवरों में बहुत सारी क्षमता पाई जाती है, लेकिन उसमें कुछ क्षमता का अभाव होता है। वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होता, समझने की क्षमता का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? वनों को अगर नष्ट किया जाए तो उसका कुप्रभाव जो होता है वो मृदा अपरदन पर पड़ता है, जमीन जो है कटाई करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसका उदाहरण हो जाएगा झील। झील में जो है प्रकृति के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, बाकी जो भी है वो मानव निर्मित है, उसने इंसानों ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 कोयला को बनाने में कितना समय लगता है? कोयला जो है लाखों वर्ष के बाद तैयार होता है, यानी एक लॉन्ग टाइम के बाद तैयार होता है, इसलिए कहा जाता है कोयला को बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बतलाइए। जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण हो जाएगा खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसका जल जो होता है वो लवणीय होता है, वह प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में जो जनन होता है वह मुकुलन द्वारा होता है, शरीर का कोई अंग कटकर अलग हो जाता है, वो फिर पूरी तरह से वयस्क हाइड्रा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? अगर आप मृदा अपरदन बचाना चाहते हैं तो आप पेड़ को लगाएं, वन रोपण द्वारा आप मृदा अपरदन से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? एकाधिक खाद्य श्रृंखला जब किसी स्तर पर आपस में मिलता है तो खाद्य जाल बनता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 नंबर पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी जो कुदरती वसायल है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका संरक्षण करना पर्यावरण संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61 नंबर जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी अगर आपकी आंख जो है निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकती है तो आप दूर दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी होती है वो पोषण स्तर कहलाती है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस ईंधन को पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? पर्यावरणीय स्नेही ईंधन जो होता है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है क्योंकि पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस ये सब जो होते हैं खत्म होने वाले हैं और प्रदूषण भी पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 नंबर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो रूपांतरण से होता है, यानी जब सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसी अन्य रूप में होगा तो कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO बुझा हुआ चूना कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, अंतिम सिरे पर अपघटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांध कर रखता है? सौर परिवार के जो सदस्य हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ दहनशील है? दहन का मतलब होता है जलना, यानी
कौन ऐसा पदार्थ है जो जलने की क्षमता रखता है। अगर आप कांच को जलाएंगे नहीं जलेगा, लोहे की किट को जलाएंगे नहीं जलेगा, सीमेंट को जलाएंगे नहीं जलेगा, लेकिन केरोसिन जो होता है दहनशील पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं बाज होते हैं। ये ऐसे पशु पक्षी को खाते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं, यानी ये तृतीयक उपभोक्ता हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? स्वतः दहन को बोलते हैं खुद से जलने वाला। आपने देखा होगा श्वेत फॉस्फोरस जो होता है वो खुद से जलता है, उसे हाथ पर रखेंगे वायु के उपस्थिति में आएगा, रिएक्ट करेगा और उसमें आग पकड़ देगा, यानी काफी ज्वलनशील होता है और वायु से रिएक्ट करके जलने लगता है, किसी माचिस की इसे जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71 नंबर, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होता है? पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उच्च से निम्न स्तर की ओर होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का मात्रक क्या है? भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। आपने सुना होगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार इतना न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा, यानी भार को हम न्यूटन में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74 नंबर, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी परीक्षण किया जाता है? अगर आप जल प्रदूषण को मापना चाहते हैं तो आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD परीक्षण करना होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू का जो ताल्लुक है, रिलेशन है, असम से है। असम में बिहू त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बनाया? आगरा शहर को जो बनाने वाले शासक थे वो सिकंदर लोदी थे। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बनाया था और आगरा शहर में ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उल्लेखित किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। निम्न में कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? बिहार का शोक जो होता है वो कोसी नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोगी से एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भाषा शिक्षक की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना होता है, यानी बहुभाषिक कक्षा शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करके ही एक शिक्षक बहुभाषी शिक्षा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है, यानी आप कौन से शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया रुचिकर बन जाएगा, यानी वैविध्यपूर्ण। अगर जरूरत हो ऑडियो एड्स की तो ऑडियो एड्स का प्रयोग करें, वीडियो एड्स की तो वीडियो एड्स का प्रयोग करें। सामूहिक गतिविधि द्वारा अलग अलग विधि का प्रयोग करके आप जो है शिक्षण सामग्री को रुचिकर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 नंबर, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे बंडूरा, उसने कहा था कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानी द्वारा सीखते हैं, इसे निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार इदम अहम पढ़हम व्यक्तित्व के तीन घटक है। इदम अहम परहम को व्यक्तित्व के तीन घटक कहने वाले मनोवैज्ञानिक फ्रायड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक कौन है? बच्चों के भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक होता है बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत से बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन आसानी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? मापन के जो स्तर है उसमें सबसे अच्छा अनुपात होता है नामिक क्रमिक अंतराल समय बेहतर अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 85 नंबर, अधिगम स्थानांतरण के द्विव तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अधिगम स्थानांतरण का जो द्विव तत्व सिद्धांत है उसके प्रवर्तक स्पीयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? अगर आप चारों प्रश्न पर गौर करेंगे तो तितली ने
कली से क्या खेल खेला? बच्चे अपनी भाषा में उत्तर देंगे, यानी बच्चों का भाषा विकास बेहतर ढंग से होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अधिगम में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो दिया था थर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है? पठन संबंधी विकार का संबंध होता है डिसलेक्सिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीना निम्न में कौन कौन सी पिछड़े बालकों की समस्या है? पिछड़े बालक की बहुत सारी समस्या होती है, उसमें कम शैक्षणिक उपलब्धि, संवेगात्मक समस्या, सामाजिक समस्या सब इंक्लूड है, यानी सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? बालक के व्यक्तित्व को जो खास तौर से प्रभावित करता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो हम क्या करेंगे? बच्चे अगर हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हम न उसकी अपेक्षा करेंगे, न परीक्षा में कम अंक देंगे, न उसके अभिभावकों से बात करेंगे, बल्कि हम गौर करेंगे कि हम में क्या कमी है, आखिर बच्चे हमारी सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, हम जरूर इसका निराकरण पा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का जो स्तर होता है वो स्मृति स्तर होता है, चिंतनशील स्तर होता है, समझ स्तर होता है, लेकिन विभेदीकरण इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास आपकी इच्छा शक्ति से होगा, बर्ताव एवं व्यवहार से होगा, नैतिकता द्वारा होगा, यानी चरित्र के विकास के लिए उपयुक्त सभी जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो लक्ष्य होता है। आपका लक्ष्य क्या है, आप किस डायरेक्शन में प्रयास करते हैं? आपको जाना है पूर्व की तरफ, अगर आप प्रयास आप पश्चिम उत्तर दक्षिण करेंगे तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य की जांच जो है नियमित करनी चाहिए। आप बच्चे को जो भी गृह कार्य दे रहे हैं उसका नियमित जांच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधारभूत कौशल हैं। भाषा के जो आधारभूत कौशल होते हैं वे हमेशा अर्जित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के स्थानांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? वह संस्था जो होता है परिवार ही होता है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में बहुत अधिक योगदान करता है, क्योंकि बच्चे का जो जन्म होता है किसी न किसी परिवार में ही होता है और परिवार के सदस्य सहानुभूति रखते हैं उस बच्चे से, समाज के अनुसार सामाजिक परंपराओं का स्थानांतरण वो अपने बच्चों में करते हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसके प्रथम सोपान होते हैं जिज्ञासा। अगर आप में जिज्ञासा है तभी आप सीख पाएंगे, अन्यथा आप कभी नहीं सीख पाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है। शिक्षा जो होता है वो पुनर्गठित भी होता है और पुनर्निर्मित अनुभव भी होता है, लेकिन शर्त यह है कि यह निरंतर जारी रहना चाहिए। इसके अंदर जब तक निरंतरता है तब तक यह पुनर्गठित और पुनर्निर्मित है, उसके बाद ये भंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर बुद्धि के बारे में कौन से कथन सही है? बुद्धि के बारे में बहुत सारे कथन दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहला सही है कि बुद्धि जो होता है बहुआयामी होता है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेना की जाने वाली कई योग्यता शामिल होती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों ये थे 100 सवाल जो दक्षता एग्जाम 2023 से तो जो सामान्य शिक्षकों का टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसके सिर्फ 3 से लिए गए थे। आप इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। पिछले वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हमने सेट 1 और 2 के सॉल्यूशन दिए हैं। सेट 4 और 5
के सॉल्यूशन भी हम आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन फ्यूचर मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग वीडियो के साथ।